पाकिस्तान की दुर्दशा इस वक्त दुनिया देख रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में खाने को लेकर तो तंगी चल ही रही थी, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को अब जान बचाने वाली जरूरी दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन को खुश करने के लिए अमेरिका का न्योता ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित किए जा रहे लोकतंत्र सम्मेलन को छोड़ने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये फैसला चीन को देखते हुए लिया है, क्योंकि अमेरिका ने इस सम्मेलन में चीन को आमंत्रित नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करेगा, लेकिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। इस सम्मेलन का नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ मेयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान पर सम्मेलन से अलग होने का दबाव बनाया। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में चीन के साथ तुर्की को भी आमंत्रित नहीं किया गया है, और चीन तुर्की के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। तुर्की के जरिए ही वह मुस्लिम देशों पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जब अमेरिका ने चीन तुर्की दोनों को ही सम्मेलन से बाहर रखा, तो पाकिस्तान को मजबूरन उनका साथ देना पड़ा। बता दें, शिखर सम्मेलन पहली बार साल 2021 में हुआ था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इसमें हिस्सा लिया था। इस बार भारत शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान ने किनारा कर लिया है। पाकिस्तान के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। ना तो वो चीन का साथ छोड़ सकता है और ना ही अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है।